स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। कहीं चल रहा है लव का ट्रायंगल, सबका अपना अपना एंगल, यहाँ वहाँ रिश्तों का जंगल, मचा है दंगल। फिर वे सब कुशल मंगल, 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 सब कुशल मंगल। कर्नलगंज क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और भयंकर रूप से स्वागत। यमुना पार्क क्रिकेट क्लब के कप्तान मोहन ने बॉलिंग का भार खुद ले लिया है। अब कप्तान है, जो करेंगे कौन रोकने वाला है। और ये अरे इसे तो बोल कर दिया भाई, बैट्समैन जो कि कर्नलगंज में अपना आटा चक्की चलाते हैं अपने आटा चक्की की ओर जाते हुए। अरे अरे ये क्या हुआ, ये तो हमारी ओर आ रहे हैं। अरे भाई अरे आउट आप हुए हैं, आप इधर कहाँ आ रहे हैं। अरे ये तो गुस्से में लग रहे हैं। ए ए सोमनाथ हम देख रहे हैं, इधर मत आओ। साला हाथ में माइक आ गया, जो मुंह में बोलोगे यार मारे ये बल्ला घुमाए। मैदान में विकेट के साथ ही साथ हमारे साथी कमेंटेटर का भी पतन हो चुका है। आइए हम आपको लिए चलते हैं मैदान में। बॉलर ने गेंद डाली है, ऑफ की दिशा में खेला है, बैट्समैन ने रन के लिए भागे हैं। और ये हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान बाबा भंडारी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप सब उनका। पीडब्ल्यूडी बाबू वाला लड़का कौन सा वाला है? वो खड़ा ना गली में। गली में कौन? मैदान में नहीं का? विकेट कीपर की दाईं तरफ से चौथा। ठीक से नजर नहीं आ रहा है, जरा बुलाइए तो। अरे कहाँ चले जा रहे हो, गार्डन समझे हो का? अरे वो जो मोहनवा है ना, उससे थोड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है, जरा सा बाहर भेजेगा। अरे ऐसे कैसे भेज दे बीच मैच में, पारी खत्म होने दीजिए। बोल लिए, ऐसा है हमारे नेताजी बाबा साहब की डिमांड है, अब या तो मैच बंद करना पड़ेगा या काम करिए, बेचारा 12वां खिलाड़ी को चांस दीजिए ना। चलिए जल्दी से बात लगाइए। अरे मोहनवा, ये है का? पापा जी पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं जी। सुना है क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते हो जी, तो आज का मैन ऑफ द मैच तुम ही हो। दे दे भाई।
अरे लो यार तुम पकड़ो तालियां बजाएं। चलो उतरो। अरे अरे उतरो जल्दी उतरो जी। आप कहाँ ले आए? अरे उतरो यार, ये लाओ लाओ। अरे यार हमें कहाँ ले आए अभी? चलो चाचा जी, ये देखिए पीडब्ल्यूडी बाबू का लड़का। लड़का पसंद है? हैं? लड़का चलिए पसंद है। कपड़ा पहन के तुरंत चाचा जी बन गए। ये क्या हो रहा है? चलिए चलिए। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के बहुत से किस्से सुने होंगे आपने, पर ये मैरिज फिक्सिंग का अनोखा कारनामा है। देखते हैं। मुसीबत ओढ़ ली मैंने के दर्शकों, सावधान। आज जो कुछ मोहन के साथ हुआ है, कल को सोहन के साथ होगा, और फिर आपकी बारी आ सकती है। जबरदस्ती की नींव पर अपनी कोई गृहस्थी ईमानदारी के साथ कैसे चला सकता है? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते रहिए मुसीबत ओढ़ ली मैंने मेरे साथ, यानी पप्पू मिश्रा के साथ। पहले से थोड़े दुबला गए हैं पप्पूआ, काम भी तो कितना करते हैं। सारा खानदान वालों का कान काट लिए हैं, क्या कहते हो? आपको भी भेज दें किसी ऐसे प्रोग्राम में, नाक कान दोनों काट लेना माँ बेटा, जान गवा देगा अपनी इस तरह। बाबा भंडारी जैसे आदमियों से दुश्मनी ले रहा है, हमारी जान भी जा सकती है। ईश्वर सदा तुम दोनों को खुश रखें। मोहन बाबू, रजनी तुम्हारे घर में खुश रहेगी ना? और आज का दिन तुम सिर्फ इसलिए याद रखना क्योंकि आज का डेट हमारे मैरिज एनिवर्सरी का डेट है। क्यों पांडे जी, कोई भूल चूक हुआ तो मुंह पे कहिएगा। लड़की इनोसेंट है, उम्मीद करते हैं कि हमारी वजह से लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहेगा। कौन है ये लोग जो समाज के इस धार्मिक अनुष्ठान में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? जिंदगी का इतना अहम फैसला ना आपके हाथ में है, ना आपके परिवार के। आज का सवाल इसी पर आधारित है। आज का सवाल धर पकड़ द्वारा विवाह कराया जाना समाज के लिए ए अच्छी बात है या बी बुरी बात है? SMS करके स्क्रीन पर लिखे आपके इस नंबर पर भेजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक पप्पू मिश्रा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। साला ये लड़का कितना फेमस कर दिया हमको, हैं? इतना पब्लिसिटी हमारा राजनीति में रहते नहीं हुआ। बाबा साहब इस लड़की का कुछ कीजिए, नहीं तो फिनिश कर देगा आप। सुनो, लाइफ में तुमने अपना दिमाग कितनी बार इस्तेमाल किया है? जब तक बाबा साहब हैं अपने दिमाग को संभाल के रखो, बुरे वक्त पे काम आएगा, समझे? आपका एक सलाहकार बन रहे, जो बोलना होगा बाबा साहब बोल देंगे। जितने आप उनके क्लोज हैं उतने हम भी हैं उनके क्लोज। ससुरा सवाल किए ना, अभी जवाब तो देना ही पड़ेगा। अपना अपना मोबाइल निकालिए अभी, और ए अच्छी बात है टाइप करके सेंड कीजिए। पार्टी के सभी कार्यकर्ता से भी कह दीजिए, मजा आएगा। पप्पू क्या बात है यार, छा गए तुम तो? ये रियलिटी शो था या फिल्म? तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा क्या, बहुत अच्छा लगा। क्यों संजय राघव? अनीशा तुम्हें अच्छा लगा ना, मुझे और किसी की परवाह नहीं। माय शो इज हिट नाउ। इट इज अ हिट। हेलो। क्या कमाल किए पप्पू, हम बोल रहे रंजन। हाँ रंजन, कैसा लगा भाई हमारा जलवा? पप्पू तुम पर हमें फक्र है मेरे भाई। भाई गॉड, सारी जहां को पता है कि तुम हमारे लंगोटिया दोस्त हो, हड़का रखा है सबको। पर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की ना तो टीवी पे नंगा करा देंगे, सही बता रहे हैं। बहुत सही रंजन, आखिर तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा? अच्छा ये लो दो वर्ड अपनी भाभी से बतिया लो। हाँ। हेलो पप्पू भैया, इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गए हैं कि अपने शहर आने का फुर्सत ही नहीं मिल रहा। क्या बात कह दी भाभी, दिवाली सेलिब्रेट करने आ रहे हैं? आइएगा भैया, हम अपनी मौसेरी बहन लीली से मिलवाएंगे। आप दोनों का जोड़ी ना बिल्कुल शाहरुख गौरी जैसे लगेगा। उनसे भी मिल लेंगे भाभी, पर यहाँ पहले से लाइन लगा हुआ है। अच्छा भैया रखते हैं, बाय। अरे आज तो फाइन डे लग रहा है। हाय, हु इज दिस? सर, IGP मिश्रा स्पीकिंग। आई वांट टू टॉक माय ग्रेट सन पप्पू मिश्रा, अवेलेबल हो तो टॉक पॉसिबल, आइए प्लीज। पापा। पप्पू
बेकार में अंग्रेजी बोल दी आपने। कैसे आप लोग? टाइम पास हो रहा है बेटा, पर तुमको तो अपनी माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है ना। काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, चैनल को हमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहता है। अरे विराट कोहली समझ रखे हमें, हर मैच में सेंचुरी चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? पर हम एक जान लगाकर काम कर रहे हैं पापा, इसलिए फोन नहीं कर पाए। जान तो हमारी हालत में अटकी पड़ी है बेटा। अब जो हम कह रहे हैं तुम वो सुनो, दादा पटर पटर करना सीखे अपनी माँ की तरह। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं देते। चुप रहिए, सुनिए, आप जो ये प्रोग्राम बनाए हैं ना, समझिए कि घर में बम रख दियो जो कभी भी फटेगा और हम सीनियर सिटीजन की जान लेने का। ऐसा क्यों कह रहे, कोई थ्रेट दे रहा आपको? नहीं, वेट कर रहे हैं थ्रेट का। जब अकल बट रही थी तो सबसे आखिर में लाइन में खड़े थे का? सुनो, वो मलकानी से बोलो कि तुमको कोई और काम दे या हम आके बात करें। नहीं नहीं पापा, आई विल टॉक। हम बात करेंगे। ओके, प्रणाम। क्या हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स को कोई थ्रेट दे रहा है? फैंटास्टिक। अरे तू हिट है मेरे भाई, मिनिमम एक सिक्योरिटी मिलेगी बेटा। रियली छा जाओगे तुम चैनल पे पप्पू, पापा से कहो थ्रेट को आने दो। अबे पागल है क्या, घर जाना है दिवाली पर, पापा वापस आने नहीं देंगे। सारा दिन टीकर चलवा देते पप्पू मिश्रा के परिवार को दबंगियों की धमकी। अरे चुप करो यार सब, बाप है वो मेरे, दुनिया को भले ही पसंद आए मेरा काम, पर जब तक उन्हें समझ में ना आए ना, ये सब बेकार है मेरे लिए। कैसे भी करके उन्हें समझाना होगा यार। अभी तुम्हें तो घर वालों ने चूस रखा है। हम किसी की परवाह नहीं करते। ससुराल वाले पूछेंगे लड़की को चूल्हा चौका से हटके और क्या आता है, तो कह देना कि पतंगबाजी करवा लो बस। कोई नहीं करवाएगा, यही तो रोना है। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारे माँ बाप जी जरा भी दुखी होंगे? अभी किस्मत वाले ऐसे माँ बाप जिनकी लड़की ने लड़कों की नाक काट रखी है। बढ़िया है, वो लड़के वालों के दरवाजे की खाक छान रहे और बेटी लड़कों की नाक काटने में लगी है। क्या लाया तू, ये पास में ना तुझे। पतंग की रानी को पतंग के राजा का गहरा चुम्मा। बड़ा बदतमीज है। भाभी बताओ ये लड़का कैसा रहेगा? गेस करती है तो फ्लाइंग किस दे दूँ। साले का आंख देखो कैसे चमक उठा है, जैसे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। मेरा ऐसा लोफर पसंद करोगी तो हमारी इज्जत तार तार होते वक्त नहीं लगेगा। मतलब लड़का पसंद नहीं आया, ये लीजिए। इनका हो गया? कहा है ये सब पापा? सावागाची। अरे हम जैसे मिडिल क्लास परिवार को अपने जैसा परिवार यहाँ जरूर मिल जाएगा। लड़कों का मंडी है ये पापा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी बहन के लिए हस्बैंड ढूंढने आए कि तरकारी। ऐसे क्यों बोल रहे हो, बेटी है हमारी। अरे जो भी करेंगे देखभाल की करेंगे ना, अब तक देख लिया ना कितना कितना कीमत मांग रहे हैं लोग, देखा ना। पापा यहाँ का सेल लगा है लड़कों का, जो सस्ता मिलेगा। आप बस लड़का पसंद कीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उतने में हो जाए, पापा साहब करा देंगे। अरे पार्टी आ गया है, सीधा बैठिए सीधा। बैठिए। प्रणाम 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 भाई, बैठा जा बैठा जा बैठा बैठा जा। दो चाय बोल दिए तो बैठो बैठो। जी ये है हमारा लड़का विजय कुमार। ओ
देखने में तो ठीक है, चाल चलन में भी कोई खोट नहीं। बेटा वाक करके दिखाइए, जी भर के देख के तसल्ली कर लीजिए। पेड़ पे चढ़ लेते हैं, दातुन तोड़वाइएगा क्या? नहीं, जानकारी ले रहे थे। एजुकेशन कहाँ तक किया है? पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक में। नौकरी पक्की है? एकदम पक्की है, इंडियन वाल बाढ़ मथुरा में पोस्टिंग है इंजीनियर का। बेटा फाइल दिखाइए। अब बात पक्की हो जानी चाहिए, हमें लड़का पसंद है। तब सौदा पक्का करते हैं। बोलिए क्या लीजिएगा? स्कॉर्पियो 30 लाख नगद। कुछ ज्यादा नहीं है? बहुत पैसा खर्च किया इनके पढ़ाई में और पास कराने में, और ये नौकरी भी लाखों खर्चा करने के बाद मिली है। पर थोड़ा भाव कम कीजिए। बहुत जिद किए ना, 25,000 कम किए, जाइए। 20 लाख रुपए चाहिए लड़के के लिए, समझ नहीं आ रहा। शुक्ला जी, जामुन के पेड़ के नीचे एक और पार्टी है, लड़का जॉब करता है, डिवोर्सी है, पर लगता नहीं है, सही रेट लगवा देंगे। साला कहा बोला, हमारी बहन की शादी डिवोर्सी से कराएगा तू? मेरा झूठा मारेगा। एक बात कहें आपसे? दो कहो मेरी जान। दुनिया हमें सबकी नजर से देखती है, हम क्या करें? हम बदनाम हो रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? फालतू बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास। नीलू जी, शिमला चले क्या घूमने? फालतू में हमें कहीं घूमना पसंद नहीं। फालतू में? शिमला जाना तुम्हें फालतू लग रहा है? काम से कौन जाता है नीलू जी? अरे वो उनका बूट, काम से ही तो जाते हैं, आपको नहीं पता का? क्या सेक्सी बातें कर रही है आप? जैसे शिमला के बहाने आप हमसे इनडायरेक्टली कहे, हमने आपको डायरेक्टली जवाब दिया। शादी करना चाहती हैं आप, तभी गोल मोल बात हो रहा है। अरे बिना शादी के इतना मजा आ रहा है लाइफ में, टेंशन क्या है? वाइफ जैसा ट्रीट करते हैं आप, सारा डिमांड पूरा कर रहे हैं, और क्या चाहती हैं आप? माँ बनना चाहती हूँ, इसलिए शादी करना जरूरी है। एक बार ये भी करके देख लो कामता, तुम सारे रिश्तेदारों को मिलके देख चुके हो, लड़का मिलना होता तो अब तक मिल जाता। सबकी एक राय हो तो बात आगे बढ़ाएं अम्मा, यही सोचकर आपको पूछ रहे हैं। और लड़का का कौन गारंटी देगा कि वो मंदा को खुश रखेगा? बाबा का लाया लड़का ऐसा मार का ठप्पा समझिए। लड़का मर जाएगा पर मंदिरा को दुख नहीं देगा। मंदा बेटा एक रोटी और देना। हमारी तो बस यही इच्छा है बाबा साहब कि हमारी बिटिया खुश रहे, उसका पति उसका सम्मान करे और वो अपने पति की इज्जत करे। समझ गया समझ गया। आज यहाँ पाँव कैसे खींच लाए सुखा? ऐसे आए हो बेशरम, या कुछ मजबूरी खींच लाई? आप तो अंतर्यामी है मालिक, ये बल्लो यादव है, आपका आशीर्वाद चाहिए इसे। घर में कुंवारी बेटी बैठी है, लड़के वाले 20 लाख से कम में मान नहीं रहे हैं, इसके पास नेट 4 लाख है बस। उधर बैठो। लड़की कैसी है आपकी, दूल्हा ठीक निकला? मालिक की कृपा है, कुछ ज्यादा ही ठीक है हरामी, 2 साल में 2 बच्चे, बताइए। फिर तो बढ़िया है, पार्टी के सपोर्टरों की संख्या बढ़ रही है। शुक्ला जी आप अपनी फुल तैयारी कर लो, हम अपनी करते हैं, लड़का उच्च कोटि का मिलेगा। जी बाबा साहब, हम तो रेडी है, बस आपके आदेश का इंतजार रहे। गायक ने रहा तो।
मैचिंग देखो, लड़का लेसिंग होना चाहिए। अच्छा, अरे मैं अभी पहुंचा अपने शहर यार, कितना बदल गया यार। हाँ यार भाई साहब, आप टीवी पे आ रहे हो ना? जी हाँ। रुकना भाई, अनीशा होल्ड करना, चक्कर यहाँ पर यही है यार, सेलिब्रिटी देखते ही ना सब लोग पागल हो जाते हैं। एक हो गया, एक और ये लीजिए, दुगो हो गया। थैंक यू। अच्छा ठीक है, घर पहुंच के आराम से फोन करता हूँ। ठीक है, बाय। चल भाई, रुका फंस गया। हीरो हैं भाई साहब आप। तू पहचाना नहीं क्या? नहीं, फालतू टाइम कहाँ है पिक्चर देखने को। अब बदले में यूपी बिहार ले ले। ये प्लास्टर कैसा हरी चरण हुआ? शौक चढ़ रहा था हमें। दूसरे पास में भी चला लेते, पतलून पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, रास्ता रुके क्या खड़े, आगे बढ़िए ना, पान मान खाइए। क्या हो गया हरिचरण? दिख नहीं रहा है, और सींग लगे क्या मेरे ऊपर? सॉरी भैया, पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं। बाय गॉड, ये बच्चे तो है ही ऐसे, पर आपको भी ना इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए था। बच्चों खातिर रिस्क तो बहादुरी का बात है, शाबाश हरिचरण। और हाँ, ये पतंग जो बच्चों ने लूटी थी, रख लो, तुम्हारी है। ये देखो तुम्हारी निशानी, जो आस पड़ोस की लड़कियों को लिख कर भेजते हो। पतंग की रानी को पतंग के राजा का गहरा चुम्मा। इतनी गंदी बात लिखकर आपको सताता है और आप इसे मीठा बोल रही हो? क्या करें, हम हैं ही ऐसे। पतंग पे गंदी बातें लिखी, यही हमारी सुषमा को परेशान करता है। यही है उनका जिसे पतंग रसिया कहते हैं। बहु बेटियां छत पे नहीं जाती है इसी के डर से। अरे हमने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। क्या करें अभी, प्लास्टर की पतलून के साथ प्लास्टर का बनियान भी पहन लेगा साला, शौक बड़ी चीज। पप्पू भाई साहब प्रणाम। मैं पहचाना नहीं भाई। आप बड़े लोग हैं, टीवी पर दिखते हैं, हम तो पब्लिक है। दो मिनट का समय लेंगे भैया, तो माइंड तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा फोटो खिंचवाएंगे। रिक्शा रोकना भाई। आपके चरण कमलों से उद्घाटन करवाना है। कहाँ? इसी सड़क पर चौराहे से लेफ्ट, गरीब का छोटा सा कारखाना है भैया जी। मान्यवर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बात चल रहा था, पर आपके दर्शन होते ही हमने तुरंत ये डिसाइड किया कि आजकल मीडिया का जमाना है। घर जाना था यार। पप्पू भाई कठोर ना बनिए, कर्नलगंज की शान है आप। ठीक है चलो, आगे आगे चलो। और सुनो, टाइम पास मत करना है ना, जल्दी से निपटा। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। चलो पप्पू भैया जिंदाबाद। पप्पू भैया चले। चलो बताओ ना साहब, कौन सा पिक्चर किए हैं आप? मुसीबत ओढ़ ली मैंने। यहाँ शाहरुख खान आया था एक बार, तो पुलिस बुलानी पड़ी थी साहब। तो कहाँ लिए जा रहे हैं हमें? यहाँ एनकाउंटर होता है, लगता है प्रशासन को पता नहीं आपके बारे में। एनकाउंटर? हाँ साहब, पुलिस लगी होती आपके लिए। पप्पू मिश्रा जिंदाबाद, 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 पप्पू मिश्रा जिंदाबाद। ये फीता काटिए। नारियल फोड़िए हुजूर, फैक्ट्री सोना उगलेगी। इमरती, दूध का भगोना ले आओ। कहा भैया, ये क्या लगा दिया बाहर? ऐसे कैसे हो सकता है, कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। हाँ कहा हो क्या, कौन खेल खेल रहा है? पप्पू का विवाह है, निमंत्रण आया, ये देखिए। बाबा साहब, ये तरीका गैर कानूनी है।
समाज सेवा को किसी कानून की जरूरत नहीं है। आप इस तरह कितने नौजवानों का दिल दुखाते हैं, सोचा आपने कभी? कितनी अभागी बच्चियों के घर बसाते हैं, ये नहीं देखा आपने? मुसीबत ओढ़ ली मैंने। हमारा फेवरेट प्रोग्राम है, इससे देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी गलतियों का पता चलता है, जिन्हें हम सुधारते हैं। आपका भी काम अच्छा है। रियलिटी शो बोलते हैं ना, अब ये शो तुम और अच्छे से कर पाओगे। रियली जाओ जाओ काम करो अपने। ये क्या हो रहा है? अरे बोलिए मत, नाप गलत हो जाएगा। आपके लिए नया ड्रेस बनवाया जा रहा है। आपके माँ बाबूजी को सूचित कर दिया गया है। आप जो टीवी में प्रोग्राम चलाते ना, ठीक वैसे ही घटना आपके साथ होने वाली है। शादी का प्रोग्राम है आपका। ये क्या मजाक हो रहा है मिस्टर बाबा? पता है हम कौन है? मीडिया के दामाद हैं आप। नाश्ता कराइए ढेला। अब ब्रेड आमलेट आ रहा है। लगता है आपके आदमी गलती से पकड़ लाए मुझे। अपना लिस्ट चेक कीजिए। लिस्ट में आप ही छाए हैं। रियलिटी शो में तुम्हारी शादी है ना, ब्रेकिंग न्यूज। आप ऐसे करके आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती करेंगे। रिपोर्टर को लड़ाई के मैदान में भी आजादी, आप मुझसे मेरी आजादी नहीं छीन सकते। जाने दीजिए मुझे, मैं ये सब मजाक समझकर भूल जाऊंगा। लगता है बहुत गहरा सदमा लगा है। अबे जोकर नहीं हूं मैं, जो हंस रहे हो मुझ पर। अपनी गलती पर बाद में बहुत पछताओगे, बता रहा हूँ। जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं करते। जब आपके मम्मी पापा आ जाएंगे सब खुशी खुशी लगेगा। मैं शादी नहीं करूंगा। आराम से रहोगे, मेहमान समझेंगे, हैरान करोगे तो जान ले लेंगे। नमस्कार सर, IGP मिश्रा। वो हम फोन किए थे ना, यही है वो। इसका क्या करें? नहीं, इसका कुछ नहीं करना है। आप इसके आधार पर रिपोर्ट लिखिए और जांच पड़ताल करवाइए कि हमारा पप्पू है का? कहाँ है वो? देखिए मिश्रा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपके ऑर्डर से पुलिस स्टेशन चलने लग गया तो एक भी सिपाही घर वापसी नहीं कर पाएंगे। आपका मतलब है कि कार्रवाई नहीं हो पाएगी? अरे टेंशन क्या है आपका, लड़का शादी कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। नहीं पर तरीका गलत है ना, तो बोलो। तरीका गलत है? और मतलब आपका टेंशन ये है कि तरीका गलत है, आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? देखिए लड़का को लड़की पसंद है, उसके चक्कर में आ गया, शादी कर रहा है ना। देखिए समय के हिसाब से चलिए, जाइए खुशी खुशी शादी में शामिल हो। और ये जो कागज का टुकड़ा है, ये शादी का निमंत्रण है, अपहरण की धमकी नहीं। दुबे जी, खाने में क्या है? यार लोग खाना खा रहे हैं, यार थोड़ी खाएंगे लोग। अरे तुम क्या करोगे यहां पर? देखो गड्ढे में गया कि नहीं, हम लोग गए ना यहां पर। चलिए सब बात, 5 किलो आटा तुम इतना टाइम में घोलोगी क्या? उठो चलो अंदर चलो। ए बाकी के पत्तल देख। अंदर अंदर लेके जा। क्या हुआ भाभी? किससे शादी कर रहे हो? कौन है? फिकर ना करो, कोई लड़का ही होगा, मजाक मत करो। सुबह होने से पहले बताओ कि वो है कौन। ना शादी नहीं करोगी? चिंता से सारी रात सो नहीं पाई। अच्छा तुम्हारी चिंता का इलाज करते हैं, रुको। विष्णु जी, तू खाई नहीं समझा? विष्णु जी, भगवान, प्रभु, जरा यहाँ ही है एकांत में। हाँ बहुत मस्त आ रही हो। अरे समझ नहीं आता कि का खाकर पैदा किया तुम्हें अम्मा ने। सफेद उड़द की दाल, तभी तो इतने सफेद है। हाँ दिख रहा है। अरे किस समय कहाँ बोलना है वो तो देख लिया करो, और भूल काहे जाती हो कि एक बच्चे की अम्मा हो। वो भी आप ही के कारण है, वरना हम भी कचनार की कली थी। हो गया, अब्बा को कहाँ पकना है, बहुत काम है हमको। अच्छा वो हम कह रही थी ना कि बंदा वो लड़का कौन है जिससे बंदा की शादी होगी? हमें नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि वो बाबा साहब का इंतजाम है। अरे लेकिन ऐसे कैसे नहीं मालूम है? लड़का कौन है, मंदा के लिए अच्छा है कि नहीं पता होना चाहिए ना। अरे होने के लिए तो रिश्ता लड़का उठाकर भी तो नहीं होना चाहिए, पर हो गया ना, अब क्या करें? देखो इतना मालूम है कि वो जो लड़का है ना, वो बाबा साहब की कस्टडी में, और वो अंधेरा होते वो
उस जनरेटर वाली कोठरी में हमको बुलाया है लड़का देखने के लिए, तभी जाके दर्शन होंगे उनके। तब जाके दर्शन होंगे। हो गया कि ताकि तुम यहाँ खड़े देखकर ताकि है ना, आपने तो मिताक नहीं बंद कर दिया। अरे उलाई ठीक करो यार। कोई है? याद किया होगा मीडिया कर्मी। चल चल यार, दरवाजा खोलो, हमें जाना है। देखना मत, पेशाब जाइए का? नहीं, मुझे अपने घर जाना है। Nobody can kidnap me. बहुत गलत कर रहे हो भाई साहब, सेलिब्रिटी हूँ, मेरे साथ आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। हाँ मीडिया कर्मी, अरे यार वो वाला डायलॉग सुनाओ जैसे तुम टीवी में बोलते हो। ब्रेकिंग न्यूज, गौर से देखिए इस आदमी को जो कोठरी में बंद है। एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। अपू मिश्रा लाइफ पार्टनर, लगता है भोलेनाथ कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए। 16 सोमवार में पप्पू, 32 रख लेती तो सलमान होता सामने। मॉडर्न दुनिया, मॉडर्न जमाना, भूल जाओ मर्दों किस्सा पुराना। हिटलर शाही अब न चलेगी, दाल तुम्हारी अब न गलेगी। पहले चांदी का सिक्का चलता था, पहले चांदी का सिक्का चलता था, अब चल गया चलिया नोट जमाना बदल गया। अब चल गया चलिया नोट जमाना बदल गया। पहले भैया से भाभी डरती थी, पहले भैया से भाभी डरती थी, अब भैया जी डरिया आप जमाना बदल गया। अब भैया जी डरिए आप जमाना बदल गया, अब भैया जी डरिए आप जमाना बदल गया। बाल खराब हो जाएंगे। ए, 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 ए।
कौन है भाई? जी शुक्ला जी की फैमिली से आए हैं, नाश्ता लाए हैं लड़के के लिए। हैं? अरे शुक्ला जी की फैमिली के यहाँ से आइए, नाश्ता लेके आई लड़के। अच्छा अच्छा दीजिए, हम दे आते हैं। नहीं नहीं घबराइए मत, हम दे देंगे। और सुनिए अंदर कुछ ऊंच नीच हो ना चिल्ला दीजिए, हम आ जाएंगे बचाने के लिए। ठीक है, स्वरूप लट नाम है हमारा। योर नेम? नाश्ता लाए हैं। नाश्ता लाए हैं। नाश्ता लाए, ब्रेड बटर जाम लगा के लाए। आप कौन? चमेली, शीला जीजी की शादी में आए। पहचानने का कोशिश कर रहे हैं, 2 साल जूनियर थे हम आपसे। क्या मतलब? लाला ललोलमल इंटर कॉलेज, जब आप 12वीं में थे हम मैट्रिक में। अच्छा। जब आप स्कूल में प्रेयर गाते थे ना, उसके ठीक सामने हमारा क्लास होता था और आगे हम खड़े होते थे, आपको एक तक देखते रहते थे। वो मोटी सी चश्मिश लड़की, वो तुम ही थी? कोशिश मत कीजिए, बाहर बैठे हैं, नाश्ता कीजिए। और हाँ, वो हम ही थे उदय प्रकाश मिश्रा जी। काफी होमवर्क कर क्या मुझ पर? इतना अच्छा नाम था उदय प्रकाश, काहे बदल दिए पप्पू जी? वो मीडिया वालों को पसंद है, आप नहीं समझेंगे। प्लीज आप हमें आप मत बुलाइए, तुम कहिए, जूनियर है ना आपके। तुम्हारी शादी हो गई? होगा, शीला जीजी के बाद वेटिंग चल रहा है ना, लड़का मिल जाएगा तो उठा लाएंगे। उठा लेंगे क्या मतलब? सीधी तरीके से बात नहीं होती लड़के वालों से। बहुत ट्राई की, बात नहीं बनाना तब जाकर ये स्टाइल काम में लाए। ये शीला आपकी जैसी है? क्यों, हम बुरे हैं क्या? नहीं। तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू। तुम्हारी जैसी लड़की से कौन लड़का शादी नहीं करेगा? पहली बार में यस कर देगा। आप नाश्ता कीजिए, हम खाना लेकर आएंगे। हैव अ नाइस डे। नहीं लुटा लेंगे, तुम हमारा लाइफलाइन हो, ये छोटा छोटा बात पर रुकना ठीक नहीं। शादी शादी का रट काहे लगाई हो? 14 साल पहले मिले थे, याद है कि नहीं? क्या बोले थे? हमें तो कल की बात ठीक से याद नहीं रहता है, तुम 14 साल पुरानी बात पूछ रही हो, नहीं याद है हमें। हाँ कैसे याद होगा, हम बता देते हैं। पहली बार जब मिले थे ना तो बोले थे, नीलू शादी करोगी तुमसे, और उसके बाद पहले आपस में प्यार हो जाने दो, फिर शादी करेंगे हम। साला 14 साल हो गए हैं, अब तक प्यार ही चल रहा है। अच्छा तो है, प्यार हो रहा है, क्या पता शादी के बाद प्यार ही ना हो। याद रखिएगा, शादी जो है प्यार का दुश्मन है, और हम तुम्हें जिंदगी के एंडिंग तक प्यार करते रहना चाहते हैं, करते रहना चाहते हैं, करते रहना चाहते हैं। लेकिन हम तो शुरुआत करना चाहते हैं ना, हमें बताइए हमसे शादी कब करेंगे, हमें आज ही सुनना है, बताइए। नहीं बता सकते हैं। हमें आपको बताना पड़ेगा अभी, इसी वक्त और यहीं पे। समय चाहिए हमें। समय चाहिए? जाइए। जा रहे हैं हम। जाइए, आइएगा मत। शादी शादी शादी, हमें पता है वापस यही लौट के आने वाले हैं, और फिर देखिएगा हमारा जवाब क्या होगा। अबे सुनो, चारों लड़कों को बीए लेने का है भेज दिया है? 8 बीए चाहिए, तो 4 आदमी भेजेंगे ना। अबे दिमाग भरा है, भेजें भूसा है। ये देखो। अरे सुनिए, खाना ये रख दिए, बाबू साहब सो रहे हैं। कौन? चमेली, हम जाग रहे। जाइए जाइए जाइए। क्या बात है, सपने में भी चंपा चमेली आसार बढ़िया नजर आ रहे। अरे आप ठीक है ना? खाना लाए हैं, आप भी खाइए ना हमारे साथ।
हमारा व्रत है ना सोमवार का। ओ, शिव जी को मक्खन लगा रही हो? क्या करें, बाबा भंडारी जैसे लोगों पर भी तो पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते। चमेली जी, ये गलत तरीका है ऐसे धड़पकड़ शादी कराना। जानते हैं गलत है, पर इससे अगर एक बेचारी अबला लड़की का घर बस सकता है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा, और लड़के का क्या होगा? उसका भी तो घर बस ही रहा है ना। सोचो कोई गलत गड़बड़ लड़का हुआ तो लड़की तो गई काम से। ऐसे ये वाला बात ना आया था हमारे दिमाग में, पर जैसे कि आप हैं, पूरी दुनिया जानती है पप्पू मिश्रा को। जो आदमी गलत लोगों की कलाई खोलता हो वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? भाई कौन किस्मत वाली है शीला जी। अच्छा वो नाश्ते की थाली? हाँ, नाश्ते वाली थाली। हाँ, मैं शीला को एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज इतना करा दो। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कल शादी है, फिर तो जिंदगी भर मिलना है। अरे बात को समझो प्लीज। कैसे समझे, क्या समझे? हमें जाना है, जाने दीजिए। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। हम कह रहे हैं हमें जाने दीजिए। हम नहीं जाने देंगे। आप प्रॉमिस करो, आप प्रॉमिस करो पहले। पहले आप हटिए यहाँ। आप प्रॉमिस करिए पहले। हटिए, हम कह रहे हैं। प्रॉमिस करो। हम सोनू को बुला देंगे। बुला सोनू। जन्नत मांगी है ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, दिल ने तुझे पाने की बस मन्नत मांगी है। ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है। जिसे मैंने पलकों में बसाया था, चुपचाप जिसे मैंने धड़कन में छुपाया था, बरसों से जिसे मैंने पलकों में बसाया था, चुपचाप जिसे मैंने धड़कन में छुपाया था। जो ख्वाब सुनहरा था वो तेरा चेहरा था, जो ख्वाब सुनहरा था वो तेरा चेहरा था। जुड़ जाए जो तुझसे वो किस्मत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है। हाल है हमारे मीडिया बाबू का? सुबह से शांत है। कमिट तो नहीं कर गया? मतलब सुसाई बहुत अंग्रेजी झाड़ हुए हैं। सोनो बेटा जी। राइट। ओह माय गॉड। सोनो का जेंटलमैन, उठिए तो। क्या बात है बबुआ, सुबह से शांत हो? लगता है तूफान आने का अंदेशा है। तूफान आ गया। देखिए तो पहन के।
माप ठीक है कि नहीं? तुम मदद कर देते डालो ये वाला। शाबाश क्या बबुआ, बिल्कुल देसी दूल्हा टाइप लग रहे हो। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप खुद ही अपना धर पकड़ करवाए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अगर हम नहीं पहनते तो आप जबरदस्ती पहनाते। हमारा काम आसान कर दिया है बाबू, समझदार हैं आप, मीडिया से है ना। अका तुम बाबा साहब का वीडियो बना के टीवी में दिखाए थे, है? अब हम तुम्हारा वीडियो बना के टीवी में दिखा रहे तो सबकी फट के हाथ में आ जाए। शादी कल है, आज नहीं। शादी नहीं कीजिएगा? कल तो नहीं करेंगे, जब हम जाएंगे तब करेंगे। शांत हो जाइए पप्पू जी, हम जो आपके नसीब में लिख दिए हैं ना, अब ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता। बहुत लकी हो, लौंडिया के साथ शादी करवा रहे हैं तुम्हारी। ये चाहे ना कुटिया के साथ फेरे करवा के तुम्हारी शादी करवा दे, समझे? चुप समझे, ज्यादा अमिताभ बच्चन बने ना तो माथे पे तिलक लगा देंगे तत्काल, समझ गए? क्या कर रहे हो सोनू, सटापना यार। सुन सुन लो, इनकी मेहमान है हमारे। क्या है मेहमान? कल पार्टी को हैंडओवर कर देंगे, हमारा हेडेक खत्म, इनका शुरू। गाली गुप्ता करें, लात घूसा चलाएं, सत्तू समझ के खा लेना, समझे? जी। चल बे। दरवाजा खोलो, हमें जाना है। अरे यार मेंटल हो क्या, बार बार वही राग दे रहे हो हैं? दरवाजा खोलो। सोनू अरे बोलो ना यार। अरे इसको एक बियर दे देते हैं, पगला गया है मीडिया कर्मी, पी लेगा ना तुन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब तो ठीक है, शांत करो, अपनी बियर दो। अरे यार तो कैंसिल कर। आ सुनो, हाँ तुम सो जाओ आराम से। हाय राम, ये तो अभी से फेरे लेने को तैयार। तुम्हें पता नहीं है सालों मुझे पकड़ कर तुम लोगों ने कितनी भयानक गलती की है, डायरेक्ट मीडिया से पंगा लिया है। करो तुम सालों अपनी मन की, मैंने भी लड़की की जिंदगी तबाह ना की ना तो देख लेना, कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता हो, समझे? कपड़ों की तरह जिंदगी बर्बाद कर रहे हो किसी की। मैं पहले से और किसी का हूं, मोबाइल तो बात करा दू। अरे वो किसी और से पट जाएगी यार। और सुनो, तुम्हारी बोली यहीं चलेगी राजा। मेरे जैसे लड़कों के लाइफ में ना ये शादी वादी नहीं होती, मेरे पड़ोस के हर घर में दुल्हन बैठी है, पर मेरे यहाँ किसी ने रिश्ता लाने की हिम्मत नहीं की। कितना डराना बैकग्राउंड है मेरा, सुन रहे हो सालो? अरे काहे इतना सिंगार कर रही हो, ऐसा भी का खुशी का बात है? हमारे बेटे की शादी है, इकलौता बेटा है हमारा। इस वक्त कौन हो सकता है? कहोगे? काहे
तुम आ गए। पापा क्या कर रहे हैं? दरवाजे बंद करो। पप्पू, तुम अकेले आए हो? बहू कहाँ है? अरे मैं भाग आया हूँ। हाय, पर बहू कहाँ है? अरे चुप करो। एक तो याफत से भाग के आया, ऊपर से तुम इसको गले लगाने के लिए बोल रही हो। हम अभी तो समझाइए ना, क्या हुआ? हाँ पापा, चलो पुलिस ने एफआईआर लिखवाए। क्या कर रहे हैं आप? धीरे बोलो। अच्छा। अब से हम घर पे नहीं है। अच्छा। बाहर ताला लगा दिया है। ये किसकी आवाज है? अरे दाल चढ़ाइए चने की आपके लिए कुकर में। दाल मेरे पे चढ़ा देती, कुकर पे क्यों चढ़ाए? तो कुकर में तो चढ़ेगी दाल। आवाज कर, आवाज छोड़ दी। हम घर पे नहीं है, हम घर पे नहीं है, हम घर पे है पर नहीं है। ये सब सोनू की वजह से हुआ है बाबा साहब, बाय गॉड बता रहे हैं। का किया सोनू? दरवाजा खोल के लौंडा भगवा दिया का? अरे तो तुम होते तो हम दोनों मिलके उसको गिरा देते। अरे तो दबोच के रखते, हम आ तो गए थे पेशाब करके, आ गए थे हम। तुमसे हमने कितनी बार कहा है सोनू रम पी लो, लेकिन नहीं। रात को सोनू दारू नहीं पिए? विद्या कसम पिए थे, वो बहुत ज्यादा पिए थे। बियर, वो भी चिल्ड, इसीलिए बार बार मुतिया रहे थे, उसी बीच वो लौंडा भाग गया। बियर समझते हो क्या होता है? हाँ, मालूम है बियर क्या होता है। भालू, पीपी के भालू हो जाएगा तो भाग दौड़ कौन तेरा बाप करेगा। चलिए मुर्गा बनिए, चलिए मुर्गा बनिए, मुर्गा बनिए साले, नहीं तो तंदूर में डाल देंगे। आपका गुनाहगार हम है, जो चाहे सजा दीजिए। इसमें आपका क्या दोष? लड़की की किस्मत का दोष है। अरे उस मासूम को क्या पता उसकी किस्मत किसके हाथ में है। आज बेचारी साथ फेरे ले रही होती। उठो पप्पू जी। क्या हुआ भाभी? अरे पप्पू जी मिश्रा, जाते रहे जाते रहे। ऐसे कैसे जाते रहे? भगा दिए, हम खुद हाथ पकड़कर कोठरी से बाहर किए उस लुच्चा को। आई राम, क्या कह रही हो? बदमाश आदमी है वो, खुद अपने मुमिया मिट्ठू बन रहा था। स्टिंग ऑपरेशन किया है हम उसका। स्टिंग ऑपरेशन? जी आ रही है। कल रात को जो भी हुआ हमारी वजह से हुआ शुक्ला जी। ये घटना जो है हमारे जीवन में राजनीतिक हार से भी बढ़कर है। मंदिरा जी की किस्मत आपने हमारे हाथ में सौंपी है, अब वो हमारी जिम्मेदारी है। आप उसे छोड़कर जीवन के दूसरे कामों में ध्यान दें। जो जिसके नसीब में होता है वो होके रहता है बेटा। जी अब हम चले भैया। अरे जा रही हो? आयो तो रुक जाओ, कुछ दिन बाद चले जाना। नहीं अब आएंगे ना दोबारा, जब बुलाओगे आ जाएंगे। मेहमान जा रहे हैं क्या? जी ये हमारी छोटी बहन है। नमस्ते। नमस्ते। और ये उर्मिला, विष्णु की पत्नी। नमस्ते। वो मंदिरा। रिक्शा मंगवा दीजिए प्लीज। अपनी बुआ को ट्रेन में बिठाने जा रही है। हम छोड़ देते, आइए बैठिए गाड़ी में। अरे सेवा का मौका तो दीजिए। सोनू सामान रख दीजिएगा। हाँ, 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 लाई लाई। अरे नहीं हम लेके जाएंगे। आइए आप नहीं चल रहे हैं का? चल रहे हैं ना। तो फिर बैठेंगे कहाँ? पीछे? अबे आगे ड्राइविंग सीट पे।
आप दोनों नहीं आ रहे, आप और ढेला हमारा इंतजार कीजिए घर पे, आते ही बड़ा इनाम देंगे। अरे इनाम बेगम, हमारा तजुर्बा कहता है कि जमहूरियत और आवाम को आपस में एक दूसरे का खैर मकदम करना चाहिए। दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क को अपने लपेटे में ले लिया, लेकिन मजबूत गुर्बत इरादे, अज्म हौसले और एहतियात से इसको शिकस्त दी जा सकती है। गोया मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी खिलाफत की बगावत नजर आती है। चुनांचे हमारे मुल्क के मेहमान खुसूसी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारी इस तकरीब पर एहतराम जताया और कहा कि भैया पुर्तुलेन शेरवानी जी, आपने बहुत ही फैंटास्टिक बात कर डाली। खामखा जताया है। खामखा क्यों मैडम? क्योंकि इन उबड़ खाबड़ सड़कों पे ये रिक्शा की सवारी भारी मुसीबत का सबब बन गई है। देखिए ना, बदन कैसे जनरेटर की तरह कांप रहा है। बेगम, बदन पे फरमाया है कि बदन पे सितारे लपेटे हुए ये जाने तमन्ना कहाँ जा रही है? स्टेशन। अबे बंदर, ये बंदर टोपी ऊपर कर ले, थोड़ी पहचान में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि हमारा मुलाकात हो गया, अब हम डायरेक्ट सॉरी बोलते हैं। पहले मिले होते ना तो हम ये केस हाथ में नहीं लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा भैया? अरे इतना ब्यूटीफुल लड़की का रिश्ता इल्लीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। सारे तरीके अपनाने के बाद ही तो ये घटिया तरीका चुनना पड़ा, उस पर भी इसे रास नहीं आया। चिंता ना कीजिए, बहुत जल्दी आपको वापस आना पड़ेगा बुआ जी। मंदिरा जी का रिश्ता समझो हो गया। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भैया। आप हमें भैया मत कहिए बुआ जी, मन को फील होता है। आप सीधा भंडारी बेटा बोलिए। ठीक है भंडारी बेटा। गजब, आधा इंच मुस्कुराई है, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। स्टेशन आ गया बुआ जी, प्रॉमिस करते हैं कि जब आप मंदिरा जी की शादी के लिए वापस आएंगी, हम आएंगे आपको लेने स्टेशन। अरे अरे रुकिए, पकड़े गए बेगम। अरे कहाँ जाएंगे मियाँ? जनाबे कुली, हम कर्नलगंज को कूच करेंगे। दिल्ली दिल्ली, हमारा मतलब है हम दिल्ली को कूच करेंगे। गाड़ी तो एक नंबर पर आएगी, आप तीन नंबर को जा रहे हो। जनाब हम तीन नंबर के कोच में कूच के एक नंबर की कोच में कूचेंगे, और कुछ? अरे कहीं जाना भी है कि बस घूमने आ गए स्टेशन? अब्बा हुजूर, आगे किसी से ना उलझिए, पता पड़ जाएगा हमारा हुलिया नकली। चलिए तीन नंबर पे क्यों जा रहे हैं? चुप कूच करो। नंबर नोट कीजिए। अरे नहीं बाबा साहब, परेशान मत होइए, हम वापसी में मार्केट होते हुए आएंगे। थैंक यू, आपने इतनी तकलीफ किया। दिवाली करके जाते बेटा, जिसके लिए आए थे। किन तुम्हारे पापा का सिद्ध रावण के फूफा समझते हैं अपने आप को। बेगम चाय नोट फरमाइए। और आपकी चाय? हमारी बगैर शक्कर की चाय में थोड़ा वक्त लगेगा। बहरहाल आप उठाइए, अपने आप को नहीं लुत्फ उठाइए। पहचान लेंगे लोग। ये लीजिए। हमें तो बाबा की नियत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लट्टू हो रहा था तुम पर लट्टू, बस करो बुआ। ट्रेन आ गई। अरे अच्छा ट्रेन आ गई। देखो बेटा, आप लोग यहीं से चले जाइए, हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे। देखो बेटा, गाड़ी में अपनी सीट पे चिपके रहना और इस शख्सियत को बरकरार रखना है। ये टोपी को दिल्ली आने से पहले अपने थोबड़े से जुदा मत करना था, और इस मनहूस मोबाइल को मुकाम आने तक खामोशी की आगोश में रखना। हाँ, सरहद पार करने के बाद फोन करके अपनी सलामती की इत्तला देने की तुमको इजाजत है। और सुनो,
रास्ते में हगना मुकना। बेगम हमारा मतलब है कि पखाना और पेशाब का दीदार अगर सरहद की हद पार करने के बाद होगा तो बेहतर होगा और माशाल्लाह सुकून से होगा। दिवाली पे हम फोन करेंगे। ईद पे, ईद पे, ईद पे। यही ऊपर रख दो बस। हाँ, बस हाँ। क्या छोड़ो? चमेली, चमेली। कौन? मैं, पप्पू मिश्रा, तुम्हारा सीनियर। तू? कुछ तो है हमारे बीच यार, बार-बार मुलाकात होती रहती है। ये क्या हुलिया बनाए रखा? ये गेटअप दे रखा है। भाग रहे हैं ना यहाँ से? ए भैया, ओ। भाग। मैं वापस जा रहा हूँ चमेली जी। ये चमेली कौन? तुम और कौन? जल्दी आओ ना, गाड़ी चल देगी। मंदिरा नाम है हमारा, यहाँ कोई चमेली शीला नहीं रहती। हाँ? मजाक कर रही हो मुझसे? वो तो कल किए थे चमेली बनकर तुम्हारी असलियत पता करने। हाँ वो ये ना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इंटर कॉलेज से। वो ये कि तुम कितने खतरनाक हो, कपड़ों की तरह लड़कियाँ बदलते हो ना। अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही कहा था। भगवान शिव ने बाल बाल बचा लिया हमें तुमसे। अरे मिसअंडरस्टैंडिंग नो चमेली, आई एम सॉरी। क्या था वो मंदा? 16 सोमवार के व्रत किए हैं हमने, जब तुम्हें देखा लगा शिव जी ने खुश होकर वरदान स्वरूप दिया तुम्हें, अब पर जल्दी ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई। चीख चीख कर अपनी तारीफ कर रहे थे तो हमने तुम्हें भगाने का फैसला किया। वो लड़की हम थे जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। हाँ? अरे हम अंदर कहाँ आ रही हो, ट्रेन चल रही है, उतरो नीचे। अरे अच्छा हम बैग यही रख रहे हैं। अरे थोड़ा, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग। अरे बंदा एक मिनट, एक मिनट। अरे कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते हो ना, हमने तुम्हें बदल दिया। क्या गलत किया? वो तो मैंने गुस्से में कहा था। अब हमें उतरना है, ट्रेन चल रही है, हटो यहाँ से। बाबा इतना शादी कराया, कोई लड़का भागा नहीं। अब की वही लड़का भागा जो मंदा के लिए देखे थे। अपना अपना नसीब है अम्मा। मंदा के सनी में दोष है, उस पर मंगल भारी। पंडित जी कोई तो उपाय बताए होंगे। काला कपड़ा का पूरा थान दान किए हैं सनी मंदिर में, और मंगल दोष का पूजा भी कराया है। व्रत भी रखती है मंदा सोम और मंगल का, कहा पता हनुमान जी काय रूप है। आप परेशान ना होइए पापा, हमें बहुत बुरा लगता है। हमें तो बस तुम्हारे भविष्य की चिंता लगी रहती है बेटा। शादी होने से भविष्य सवर जाएगा क्या? जीवन सुखी होना चाहिए और हम आपके साथ बहुत सुखी हैं। पर एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही है ना। वो दिन जब आएगा हम चले जाएं। आप अभी से काहे हमें भगाने का प्लानिंग कर रहे? आपने ठान लिया है क्या कि आप हमें किसी भी तरह जितना जल्दी हो अपने घर से विदा करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है मंदा, हम तो बस तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का तलाश रहे हैं। बाबा भंडारी जैसे लोगों की मदद से? ऐसा तो तब होता है जब कैसे भी बिटिया को घर से विदा करना हो। हमारा तो ये प्रयास भी फेल हो गया है। एक अजनबी हसीना से हमसे कुछ कहें का बाबा साहब? गाना गा रहे। अच्छा, उंगली क्यों करते हो बीच में? सॉरी, गुनगुनाइए, हम भी कभी कभी गाए, मन करता है। प्यार हो गया किसी से? नहीं, वो है हमें तो हो गया है। अच्छा, जहाँ नजर दौड़ाते हैं बस वही नजर आती है। आए, आए, आए। कौन है बाबा साहब? मंदिरा शुक्ला, अब यही आपकी भाभी बनेगी। नीलम भाभी का क्या होगा? कौन नीलम?
पागल हो गए हो? लगता है तुम्हारा दाना पानी कुछ और दिन लिखा है हमारे साथ, नहीं तो ये दिवाली ससुराल में करती। हम बता रहे हैं, हमारा होली दिवाली आप ही के साथ मनेगा, हम कहीं नहीं जाने। मंदा में लगता है ना, तुम उसको अपना असलियत बताती ना तो बात कुछ और होता। तो अब पता पड़ गया ना असलियत का, क्या कर ली, छुप छुप गाड़ी में निकल ली। भाभी हम उसे स्कूल टाइम से जानते हैं, पहले से ही बड़ा चहेता रहा है लड़की का, और अजनामी ग्रामी हो गया है। हमने जो किया उसके साथ बहुत अच्छा। कहो, मंजिल पहुंच गया साहब, बाबा जी का कोठी। कितना आपका? 50 रुपये। छुट्टा नहीं, रख लो। आजकल बड़ा बड़ा एक्टर पॉलिटिक्स में जा रहा है, आप भी। अरे ये तो पप्पू है। हाँ तो पर। बेटा शहर में ढिंढोरा और बगल में छोरा। हाँ क्या पपुआ, तुमको सारा जहान ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ पे हो? पकड़ के रखो उसको। तलाशी लो जल्दी। हमें बाबा साहब से मिलना है, बुलाइए उन्हें। अरे अभी थोड़ी देर में भगवान से मिलवा देंगे तुम्हें। ये कहाँ से प्रकट हो गए? अरे आपके प्रकोप से कोई बचा है क्या? माफी मांगने आया होगा। अरे आराम कर लो, कसम से हम कहीं नहीं मिलना मैं इनसे। सोनू को बुला, भागते यहाँ से। अच्छा विष्णु। हाँ विष्णु, अरे बहुत लंबा उम्र है तुम्हारा। अच्छा पूछो तो मैं तुमको ना, हम कौन आपका? तुमको ना जिंदगी से रिटायर कर देंगे ठेला, डैम फुल। पप्पू को जीजा बनवाओगे तो हम का जूता चुराएंगे शादी में। सोनू को बुलाओ। ए सोनू, वहां जा कर गाड़ी में आओ। बेटा यहीं खड़े रहना, हिलना मत। क्या कह रहे हो पा? अरे हमको पता था आप भूल जाएंगे, शॉपिंग करना है ना आपको, नए कपड़े खरीदने हैं। पार्टी मीटिंग में जाना है क्या? हमारे पास कुर्ता पजामा की कमी है, जीन्स टी शर्ट मिलेगा गांधी जी की दुकान पे। यार तुमसे कितनी बार कहा है हमसे पूछ लिया करो, लेकिन नहीं, आदत से मजबूर हो, ब्लाइंड खेल जाते हो। मान चलो वहां पे अदिदास है। अदिदास होता है, जूते बड़े मशहूर है, खाइएगा। पप्पू भैया आपका कहानी तो एकदम फिल्म के जैसा है। जान हथेली पे लिए घूम रहे बेटा, मतलब घर वालों का बिल्कुल भी फिक्र नहीं ना तुम्हें। रंजन ज्यादा ज्ञान ना बखारो, भाभी को पाने के लिए तुमने जो कर्म कांड किया ना, मुंह ना खुलवाओ। हमारी बारी पर श्रवण कुमार याद आ रहे। जाने दो भैया, हम आपको अपनी मौसेरी बहन लिली से मिलवाएंगे, बड़ा अच्छा फील करोगे आप। भाभी मंदिरा से मिलवा सकती हैं आप तो मिलवाइए, हमें कैसे भी उस तक पहुंचना है। कुछ सैफ अली लग रहे हैं, लेडीज के लिए। की भी यही पहनता है। बाकी कौन? अक्षय कुमार। ओह राजीव यही पहनता है क्या? राजीव कौन? अक्षय। अबे तुमने बड़े कच्चे धोए हैं उसके। हैं विज्ञापन देखते हैं रोज, समझे? विज्ञापन देखते हैं। बाबा साहब एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा, देखिए बाहर के लिए आप कोई भी कपड़ा लेने चलेगा, लेकिन अंदर के लिए मेरा मतलब जो आप लंबा वाला कच्छा पहनते हैं ना वही ठीक है। राजनीति में कब बुरा टाइम आ जाए भागने में सब लग रहता है। एक डजन पैक कर भाई। नमस्ते जी, कैसे लग रहे हैं? मतलब कैसे? आपको ना हम बड़ा सरप्राइज देंगे, जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब आगे जो होगा और भी अच्छा होगा। आपको पहले देखे होते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
आप अपने आप को संभालिए, हमारी चिंता मत कीजिए। अरे कैसे ना करे, विष्णु तो हमारा भाई जैसा है और आप बहन जैसी है। क्यों फैमिली में घुस रहे हो साले, दिखता नहीं सीरियस टॉक चल रहा है। वहां जाके खड़े हो जाइए, जाइए आते। मंदिराज जी, आप हमें ना अपना चॉइस बताइए, मतलब दूल्हा कैसा हो, स्मार्ट हो, खाते पीते परिवार से हो, समाज में जबरदस्त इज्जत हो, ठीक करे ना। जी नहीं, ऐसा कोई डिमांड नहीं हमारा, और वैसे अब हमें शादी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। आपकी फैमिली को तो बड़ा इंटरेस्ट है, फिर भी आप बताइए ना, क्या खास बात होना चाहिए लड़का में? ठंडा, हैंडसम, और जब बात करे ना तो देहाती ना लगे, मेट्रो टाइप। छोटे शहर का कोई भी लड़का मेट्रो टाइप कैसे हो सकता है? सुशांत सिंह राजपूत को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को लीजिए, और वो जो टीवी पर शो करता है पप्पू मिश्रा, कितने स्टाइल से बात करता है। पसंद है पप्पू मिश्रा आपको? उठा लाएंगे हमारे लिए। नमस्ते। नमस्ते। बॉस तुम्हारी हालत देख। पप्पू मिश्रा ना जो टीवी पे आते हैं, कुछ पूछ रहे थे आप? पूछिए। यहाँ एक घर में शादी होने वाली थी पर हो ना सकी। वो घर कहाँ है? रिपोर्टिंग करने आए है ना। घर कहाँ? आप चलिए हमारे। अच्छा ठीक है। अरे कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे घर आया था। वो हमारा घर नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं, हमें जाने दो। अरे रुको तो, दो मिनट बात करनी है। फालतू टाइम नहीं हमारे पास, जो कहना है ऐसे ही कहो। ये तो इंसल्टिंग है यार, आ जाओ साइड में आ जाओ। तुम तो चले गए थे ना, तुमने रोक लिया। हमने कैसे रोक लिया? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम हमारी होने वाली दुल्हन थी, हमारे होश उड़ गए। अगर ट्रेन नहीं रुकी ना तो मैं चलती ट्रेन से कूद जाता। ट्रेन रुकी तभी उतरे ना। अरे रुकी कहाँ थी, चेन खींचनी पड़ी। ऐसा क्या हो गया जो तुम वापस आ गए? वही जो कभी कभी एक नजर में होता है ना, वो मुझे भी हो गया। क्या? माय गॉड, पापा जी का फोन। तुम चुप रहना, तुम बोलना नहीं, तो तुम पैसेंजर बन जाओ, पैसेंजर बन के बोलो। ओके मतलब इस वक्त मैं ट्रेन में होता, समझो ट्रेन में हो, ठीक है? अब तुम फील करो, फील करो, फील करो, फील करो। पापा प्रणाम। कहाँ पहुंचे हम? वो ये बॉर्डर क्रॉस कर लिए। अरे भाई साहब जरा हटेंगे, बहुत सामान है, बहुत भीड़ है ट्रेन में। अच्छा पप्पू पूछो ना तो किसी भी पीसीओ से हमारे मोबाइल पे फोन कर देना और कहना डी फॉर डेनी। ओके बाय। थैंक यू यार, तुमने संभाल लिया। तुम बचपन से ही इतने टैलेंटेड हो या चैनल की नौकरी करने के बाद इतने गुणी हुए? वो कभी कभी बैड सिचुएशन से निकलने के लिए ना ऐसा करना पड़ता। आपको लगता है बैड सिचुएशन आपका पीछा इतने आसानी से छोड़ देगी? आप ये सोच कर आए कि जैसा छोड़ कर गए थे हालात वैसा होगा? जी नहीं, सिचुएशन गंभीर हो गई है। बाबा को भी हमसे वही आप जैसा एक नजर वाला प्यार हो गया। जी कहिए। पप्पू जी से मिलना है। पप्पू? वो तो आप ही के पास है। यहाँ आए होंगे ना? हाँ आए थे यहाँ पर हम भगा दिए तुरंत। अच्छा फिर कहाँ है? दिल्ली रवाना किए, अब बात हुआ है, अब तक तो पहुँच गए होंगे। क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, शाम को तो आए थे बंगले में बाबा साहब से मिलने। नहीं भाई, कल सवेरे हम ट्रेन में बिठा के आए हैं। शिक्षक हैं आप, झूठ बोलेंगे उम्मीद नहीं थी। अरे हम काहे झूठ बोलेंगे। ए पप्पू की माँ बताइए ना इनका के इनके डर के मारे हम कैसे मौलवी बनकर पपुआ को स्टेशन छोड़ने गए थे। हाँ बाबा बेटा, वो हम भेस बदल के गए थे, बुर्का पहना था हमने। वो देखो बुर्का, वो देखो ये बात देखो बुर्का। फिर तो पप्पू आपसे खेल रहे हैं, गलत बात। पप्पू काहे गलत करेगा? जब मिलेंगे ना तो पहले तो जुतियाएंगे, फिर पूछेंगे काहे गलत बात कर रहे हो।
उनसे आपको बात हो तो कहिए कि हमने याद किया था, घर तो देखा है उन्होंने। बाबा साहब, अगर पप्पू शहर में है ना, तो हम आपको वादा करते हैं कि कान पकड़कर उसको आपके हवाले कर देंगे। फिर आप उसकी शादी उसी लड़की से करवा दीजिएगा जिसके लिए आपने उसको उठाया था। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? नो नो। अच्छा जी, नमस्ते जी। तेरे अच्छे लोग आप। इमरती जी, ये बाबा से भागकर यहां आया, यहां से हमने उसको दिल्ली भेजा, फोन किया तो बॉर्डर पे था, बाबा कह रहा है कि वो शहर में है। पपुआ तो हमारे दिमाग का सब घसड़ पसड़ कर दिया है। अब ज्यादा मत सोचिए, आपका दिमाग फट जाएगा। पपुआ, पप्पू, हमारी जिंदगी का ठाठा हो रहा है और तुम यहाँ पराठा खा रहे हो। पपुआ, तुम नाक कटा दिया अपने पापा का। पूरे शहर में प्रसिद्ध है सच्चाई के लिए तुम्हारे पापा। क्या जरूरत था यहाँ आने का? वो बदमाश बाबा आया था घर पे, तुम्हें खोजते खोजते उसने बताया कि तुम दिल्ली नहीं गए, तुम यहाँ हो। हम सीनियर सिटीजन का तुम बहुत बड़ा धोखा दियो पप्पू। अब हम चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तुम अपनी सजा खुद अपनी यहाँ मौजूदगी से सुरक्षित कर लियो। आप शांत रहिए। अरे हम बात कर रहे हैं ना। बात कर रहे हैं ना। एक मिनट। कैसी सजा पापा? हम बाबा को जवान दिए रहे हैं कि अगर उनकी बात सच निकली कि तुम यहाँ इसी शहर में हो तो हम तुमको उनके हवाले कर देंगे। बड़े आया अकबर बादशाह, मुकर जाइए अपनी जबान से। क्या कर लेगा वो? मिश्रा की जबान है, कोई लिट्टी चोखा नहीं है। जो खराब हुआ तो वापस कर देंगे। नहीं, मम्मी, जो होगा देखा जाएगा। हम जाएंगे, हम पापा को और दुखी नहीं करना चाहते। हम जाएंगे, हम बाबा से मिलने जाएंगे। हेलो बाबा साहब। नमस्ते बाबा साहब। बैठिए। कमाल है आप मास्टर जी, जुबान के पक्के निकले आप तो। हैं, ये भी नहीं सोचा कि इनका हम क्या करेंगे। अरे बाबा साहब, हमें पता है बाबा साहब, हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और हम तो कल ही वापस आ गए थे अपनी गलती सुधारने। पता नहीं आप का इंटरेस्ट नहीं दिखा, फुर से गाड़ी में निकल गए। अर्जेंट काम आ गया था, चले गए। बाद में याद आया तभी ना आपको बुलाया है। बापू जी, जब वापस आना ही था तो फिर भागे क्यों है? हमें इस तरह से शादी नहीं करनी थी बाबा साहब, पर ट्रेन में हमें रियलाइज हुआ कि हम किसी के सपनों का महल चकनाचूर किए। दुनिया ताना देगी, धर पकड़ शादी, मतलब जब कुछ नहीं बचा तो अंतिम जुगाड़। और हम उतर गए उस अबला के लिए। हमें तो लगा कि हमारा डर आपको वापस लाया। हम वहीं आ रहे हैं बाबा साहब, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं भागता तो आपका नाम खराब होता, आप दुखी हो जाते और आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता, और आप तो मुझे दुनिया क्या बाथा से भी खोज निकालते। तो मैंने सोचा अच्छा चेन पुल कर दी। अच्छा लगा सुनकर। और हाँ, वो अबला की चिंता अब ना करें। वो अब आपके अकाउंट में नहीं है, उसका नया खाता खोल दिया हमने। नमस्ते। आज तो बड़ा शुभ दिन है, चलो भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाएंगे। अब आ ही गए हो ना, तो दिवाली ना। पप्पू जी आप रुक जाइए, कुछ बात करनी थी पर्सनल। मास्टर जी आप जाइए, हम छोड़ देंगे बच्चे को। जी, पूछिए तो, कहीं बेईमानी तो नहीं करेगा पप्पू? देखो कुछ पूछ नहीं चुना तो हमको मैसेज कर देना। T14 चा बाय। पप्पू जी के लिए कब जाए? जी नहीं, थैंक्स। कॉफी लाइए फटाफट। नहीं नहीं बाबा साहब, आप तकलीफ मत कीजिए। चाय कॉफी नहीं पीते भाई साहब। क्या पीजिएगा, मंगवा लेते हैं। वो मिलेगा नहीं यहाँ, ब्लैक कॉफी अमेरिकाना। बहुत सही पप्पू जी, सही कहा था किसी ने, कुछ तो बात है आप में। सुनिए भैया, नहीं तो कॉफी बोले लाइएगा तुरंत। यार अमेरिका कौन जाएगा? अबे हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं। हमारी लाइफ में आपका कदम बहुत शुभकारी है पप्पू जी। हमें एक बार किसी पंडित ने बोला था
कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा मौका आएगा कि हम किसी दुखी अबला को सहारा देंगे। आज हमें लगता है कि वो मौका आ गया है। कौन अबला? वही जिसके लिए आपका धरपकड़ किए थे। आप तो भागकर मुसीबत से पीछा छुड़ा लिए, पर हम मुसीबत ओढ़ ली। मैंने माफी का प्रोग्राम है पप्पू जी, लड़की के घर वाले सब मिलकर घेर लिए हमें, सवाल पे सवाल दागने लगे, धगासा महसूस कर रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर इतनी बड़ी हार का बदला चुकाए तो चुकाए कैसे, फिर अचानक ही हम कह बैठे हम है ना, हम करेंगे विवाह। मुरझाए चेहरे खिल उठे, सारे वातावरण में जैसे सितार का संगीत झनझनाने लगा हो। पप्पू जी, चारों तरफ से हमें लगने लगा कि जैसे जीजाजी 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 कहकर कोई पुकार रहा हो। अभी देर नहीं हुई बाबा साहब, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। शादी हम चाहते हैं तो आपके भागने की तुरंत बात कर सकते थे हम। मतलब? उसे भी हमसे प्यार हो, वो भी हमें पसंद करे, तब है ना शादी का मजा। हाँ वो सब तो ठीक है बाबा साहब, पर मैं क्या कर सकता हूं? बैठिएगा। हमारा छवि जो है बहुत बाहुबली टाइप है। अच्छा, ये सारा लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, समझे? इसको हम कैसे दूर करें, जरा समाधान कीजिए बापू जी। थोड़ा मुश्किल है पर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। आप कोशिश कीजिए, हम लवर बॉय बनकर दिखाएंगे। डन। अच्छा एक बात बताओ कि लड़की को कहाँ बुलाए हो, कहीं उसके घर तो नहीं जा रहे? और जा रहे हैं तो हमें पहले ही बता देना, हम उतर जाएंगे। अबे रंजन, तुम साले मनोबल तोड़ोगे तो हमारा क्या होगा? अरे तुम समझ नहीं रहे यार, बाबा का आदमी चप्पा चप्पा पे खड़ा होगा और देखते ही गोली दाग देगा हमें। ए मंदिरा, मंदिरा! वो बाबा साहब से मिले थे हम, तैयारी चल रहा है उनका और तुम्हारी फैमिली भी रेडी है रिश्ते को लेकर। एक मिनट चैट, तो मना कर दो। कह दो यार, आई डोंट लाइक दिस गुंडा टाइप। ठीक है, आपने कहा और हमने कर दिया। आगे आगे अंधा मोड़ है, कृपया हॉर्न बजाइए। ये क्या था? कहने को तो ये हाईवे पर सावधानी बरतने की वार्निंग है, पर इरादे सेम टू सेम। आपके इरादों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पक्का रंजन? हाँ। ओ रोमियो। हाँ। बहुत हो गई यहाँ से की। चल भाई मुसीबत ओढ़ ली मैंने, बैठ जा। पापा साहब से कहो उनके सर आए, एक्सरसाइज करनी है। आओ चाय पी लो, बैठो नाश्ता नाश्ता कर लो, नशा करना है तो नशा भी करवा देंगे। आओ यार। बाबा साहब कई सालों से सनराइज नहीं देखे, तुमको क्या लगता है आज देख लेंगे? ठीक 10 बजे प्रेशर बनेगा तब उठेंगे। हाँ कहाँ है वो? वहाँ बेडरूम में है, जाइए ट्राई कर लीजिए। ये मानेगा नहीं, पिटेगा आज। आज तो पक्का पिटेगा। उड़ गए उड़ गए रे, उड़ गए अरे उड़ गए तोते, उड़ गए उड़ गए उड़ गए तोते रे, उड़ गए। ता थैया इश्क नचाए थैया, ता थैया इश्क नचाए ता थैया। चमके और दिन में
बाबा साहब सर्विस करने से पहले ना हो ओ बाबा साहब पेट से पेट से बाबा साहब अरे ये आपको गूंगा करवा के छोड़ेगा भाषा ही खत्म कर दी हुआ क्या है ये सब लाइफ में स्टाइल चाहिए ना तो टेनिस से बड़ा स्टाइल कहीं नहीं पूछो मजा आ रहा है कि नहीं हमें तो बहुत मजा आ रहा है गुरुजी आप दोनों कोर्ट से आउट हो जाइए इडियट बाबा साहब अगर हम चले गए तो फिर बॉल कौन उठाएगा अच्छा तो सिट डाउन बैठो और शट अप बाहुबली वार किया जीना दुश्वार किया तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया है ना प्रेम के थाने में मैंने दिल का FIR किया तूने मुझे प्यार किया मैंने तुझे प्यार किया है ना इश्क में सीधी राहें लगे तिरछी गुड़ चखे तो लगे क्यों मिर्ची हाँ इश्क में बन जाता बेसुरा भी गवैया था थैया था थैया इश्क न चाहे था भैया करवाया सूट बूट पहन के चश्मा लगा के आया है ना लस्सी वस्सी छोड़ दी ब्लैक कॉफी पीने लगा मुझ पे तो रात दिन तेरा ही फीवर छाया है ना हो बादशाह भी लगे हैं नौकर इश्क सब को बना दे जो 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 करे हाँ इश्क में बेताला भी बन जाता नचैया ता थैया इश्क न चाहे रहता थैया ता थैया दा रहता थैया ता थैया त्रिड़दा 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 आप वो वाला कॉफी पियेंगे ना हाँ ब्लैक कॉफी पियेंगे दो ब्लैक कॉफी गुरुजी दो ब्लैक कॉफी पियेंगे एक आपके लिए घोड़े के मूंछ जैसा लगता है काली कॉफी सुनो माइंड योर टंग अच्छी सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं लोग गुरुजी कल आपका और हमारा हम दोनों का पहला परीक्षा है आशीर्वाद दीजिए परीक्षा UPSC की तैयारी कर रहे हैं क्या तुम यहां क्यों आए हो तुम यहां पे फंसी आ रही क्या हुआ दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यहां क्यों आए हो तुमसे मिलने कोई देख लेगा तो हम बेवजह बदनाम हो जाएंगे तुम जाओ यहाँ से अच्छा और हमारा क्या होगा जो इतना बड़ा रिस्क लेके आया हूँ तुम तुलसीदास की तरह हरकत मत करो क्या बात कह दी कहाँ वो एक महान कवि और कहाँ हम एक मामूली से आदमी तारीफ नहीं कर रहे बेवकूफी की दाद दे रहे तुलसीदास सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे अपने पत्नी से मिलने की धुन में आप भी कुछ वैसा ही कर गए जना उन्होंने शादी के बाद किया था हम तो शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे इंतजार किसका करें? अरे संभाल के ऐसी हिम्मत देती रहो कुतुब मीनार से भी उतर जाऊंगा हाँ छोड़ो मेरा भाभी बुला रही ना छोड़ू तो मत छोड़ भाभी आएंगे तब धक्का देंगे आओगे होश में तो भाभी 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 संभाल के हम जा रहे हैं
मुझे पहचान गया आप लोग कौन है? अरे सेलिब्रिटी पप्पू मिश्रा, यही तो है फिर का दामाद। अच्छा, कौन बोला? वो बाबा पूछे थे ना मंदा को कि कैसा बड़ चाहिए, तो महारानी बोली या तो सुशांत सिंह राजपूत या फिर पप्पू मिश्रा। बस पप्पू जी बुला ले। वेयर इज मैडम? अम्मा, अम्मा कहाँ हो? बाहर हो? बाबा साहब बुला रहे। मंदिरा जी को बुलाइए। पप्पू मिश्रा जी, बहुत ही कमाल का प्रोग्राम करते हैं आप। उर्मिला, मायसेल्फ भाभी, बाबा साहब आपकी वजह से यहाँ पर है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे, आप सच में उठा लाए इन्हें। नो नो, आप जो समझ रही हैं ये उस वजह से यहाँ नहीं है, ये दिवाली के लिए अपने घर आए हुए हैं। हमने रिक्वेस्ट किए हैं कि हमें थोड़ा मेट्रो टाइप बनना है, तो हेल्प कर रहे हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मेट्रो टाइप। हाय मंदिरा शुक्ला, मैरी मी, मी बाबा भंडारी वॉन्ट्स मैरी यू। शर्मा गई मंदिरा, शर्मा गई। हाँ बाबा साहब, क्या कर दिया आप? अरे आप तो फुल इंग्लिश स्टाइल में हो गए। हो भागे हमारे के, आप हमारे जिया जी बनेंगे। बाबा साहब कहा लेंगे आप बताइए ना। आई नो लाइक फॉर्मेलिटी, ब्लैक कॉफी। पप्पू जी, टच वुड, हमारे प्यार को कभी नजर ना लगे। पर हमारे प्यार को ना किसी काले कौवे की नजर लग गई है। क्या बात कर रहा है? ओह नो। ओह यस। हमें बताइए हम आपके कब काम आएंगे? पहले बाबा साहब निपट जाएं, उसके बाद आपके काले कौवे को आप जब कहोगे चुटकी में उड़ा देंगे। अच्छा, अबे सबसे बड़े काले कौवे तो तुम हो। उड़ो फर और उड़ो फर और फर उड़ते रहो। सरदार लुटेरों का खुद को भगवान समझ बैठा, जमीन किसी गरीब की, मकान अपना बना बैठा। अच्छा है तो खाली करवा देंगे। बाबा जी, जी मंदिर आपका पहला प्यार है? जी नहीं, टू टाइम, आई लव टू टाइम, लेकिन दिल एक छोटा सा पिंजरा है, एक समय पर एक ही तोता पाल सकते हैं, हमने तो दो पाल लिए। एक को उड़ाना पड़ेगा। अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रहा है। नीलू भाभी, करीब 14 साल की मुलाकात है। वंडरफुल लेडी। अरे कमाल, कोई बात ही नहीं है। आपके साथ नेवर सी? घर देखे रखा है अलग से। शी इज देयर। आपकी पहली चॉइस कौन है? अर्ज है। करिए करिए करिए। मोहब्बत में चॉइस नहीं होती। वाह, मोहब्बत में कोई चॉइस नहीं होती। मोहब्बत में चॉइस नहीं होती, जहाँ चॉइस आ जाए वहाँ मोहब्बत नहीं होती। कमाल है। मोहब्बत में अब वो पहली जैसी बात कहाँ। अच्छा है, बहुत सही। चांद तो है पर तारों की बारात कहाँ। घायल आदमी।
दोनों को साथ नहीं रख सकते क्या पप्पू जी? तोते होते तो ट्राई कर सकते थे। तोता ये क्या हुलिया बना रखा है, बड़े अजीब लग रहे हैं, आप पर नहीं जैसा, हटाइए इसे। I am change. अब हम ऐसे ही रहेंगे। अरे वाह, कपड़ा तो कपड़ा, भाषा भी बदल दिए। हमसे अंग्रेजी भाषा में बात कर रहे हैं। नीलू जी, हम बहुत सॉरी है लेकिन आपको डिवोर्स करने आए हैं। मैरिज कब हुआ हमारा जो आप डिवोर्स ले रहे हैं? रंजीत सोनू, कह दो ये मजाक कर रहे हैं, अटैक हो जाएगा हमें, मर जाएंगे हम सच में। फिर ना कहना भाभी मजाक नहीं समझी। प्लीज भाभी, आप हमें इसमें ना ही इन्वॉल्व करें तो अच्छा है। भाभी बोल रहे हैं और बताने से मुकर रहे हैं, हिम्मत नहीं है सच सच बताने का। भाभी आज के बाद हम लोग आपको भाभी नहीं कह पाएंगे, कोई और को कहना पड़ेगा। कोई और आ गई लाइफ में? नीलू जी प्लीज डोंट अपसेट, आपका हर तरह से ख्याल रखा है, आगे भी रखेंगे। बाबा आप एक दिन हमारी जिंदगी नरक कर देंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। She has gone mad. Run! Run, please! मालिए, हम चर्च में रहते हैं। सोलो राइस का। आप कैसे पिलेंगे? हम अपनी जिंदगी से क्यों डर सकते हैं? हेलो पप्पू जी, नमस्कार। आपके आशीर्वाद से हमने एक तोता को आजाद कर दिए हैं। अब सिर्फ एक ही तोता पर कॉन्सेंट्रेट करना है। आप हमको क्या से क्या बना दिए पप्पू जी, आई एम फीलिंग फ्री। यहाँ से बाबा अकेले जाएंगे। चाय आए भी नहीं पीने दिया अब सर। का बाबा बेटा, आज तो बड़ा बंठन के ससुराल आए हो। मंदा को लेने आए हैं ना, सिनेमा दिखाने जाना है। उर्मिला, मंदा को कहो जल्दी तैयार हो जाए। मंदा तो अभी नहाई भी नहीं है। अरे कोई जल्दी नहीं है भाभी, घंटा भर लेट चले जाएंगे। पर एक घंटा निकल जाएगा फिल्म का, फिर क्या मजा। हम जब हाल में घुसेंगे ना, फिल्म स्टार्ट से शुरू होगा। मंदा तैयार हो जाओ। आप लोग पागल हो गए हैं क्या, शादी से पहले लड़के के साथ सिनेमा? अरे तो कहाँ हो गया, जमाना बदल गया है। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, करा दो गुंडे बदमाशों से हमारा ब्याह, फिर हो गया तुम्हारा छुट्टी। देखो मंदा, ज्यादा चबर चबर मत करो, दामाद जी बैठे हैं, तुरंत तैयार हो क्या। लुच्चा टुच्चा गधे का बच्चा। आप जहाँ बैठना पसंद करेंगे बताइए, वहीं बैठ जाते। सीट नंबर तो दिया होगा? नहीं 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 नहीं, ये हमारा शो है इसलिए सारा सीट हमारा है। शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि। पहले ही दिन से हम आपको बहुत लाइक करने लगे थे। ओके। आई एम लकी कि आप हमारी लाइफ में हैं। क्या सोचा तुम? फिल्म देखिए। दोस्ती या दुश्मनी? हमारी फिल्म तो आप ही है। दोस्ती, तुम्हें जरूरत है मेरी दोस्ती की। अब देखना ये कि कीमत क्या मांगते हो तुम इस दोस्ती की। क्या हुआ? क्या हुआ? वो कोई हमें ऐसे छूता है ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, हमसे रहा नहीं जाता। कैसे रहा नहीं जाता? हमसे कोई गलती हो गई क्या?
पूरे मोहल्ले में फेमस है हम। हाँ? कोई टच कर दे चटाक से आवाज सुनाई पड़ता है कान के नीचे। बचपन से आदत है, बहुत संस्कारी है हम। कहाँ जा रही? पिक्चर तो अभी बाकी है। वॉशिंगटन। वॉशिंगटन वॉशरूम टॉयलेट। बहुत लिटरेरी है आप। फिल्म स्टॉप। साला लव हो गया है। पप्पू भाई पॉपकॉर्न खा लीजिए, अदरक डाल के बनवाई है। अरे खा लीजिए, शर्माइए नहीं, आइए। अरे आइए ना। क्या हुआ? अपने बाबा को संभालो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ? हम छेड़े और परेशान भी ना हो। क्या 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 बताओ। अभी मुंह तोड़ दूंगा बाबा का। अरे वो तो हम भी कर सकते थे, लेकिन क्या रिजल्ट होता? रात को ही फेरे ले लेगा, तब क्या करोगे? हम उसे स्मार्ट और सोबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही जंगली। अरे मैडम, मैडम आपका जूस बनवा दिया है, अंदर रखवा दिया है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो यार? मैडम कहाँ चली गई? वॉशरूम। कौन सा रूम? ओए मंदिर कहाँ है? हॉर्स रूम गई अभी अभी। लड़की छेड़ दी आपने? हैं क्या बोले? ओए आउट आउट। नहीं तो हम तो सिर्फ टच किए। पूछा था आपने ये टच करने से पहले? पूछना चाहिए था। बाबा साहब डेटिंग का मतलब टचिंग थोड़ी होता है। नाराज हो गई है वो। क्या कह रही थी? डांटती हमको, कह रही थी ये मेट्रो टाइप होना हो तुम इनके टाइप ना हो जाना। यार आई एम सॉरी, इतनी सी बात का इतना बुरा मान गई? बाबा साहब जो इतनी सी बात का बुरा मान जाए, सोचो शादी के बाद तो जीवन डर कर देगी ऐसी ना, लड़की। ना, ना, ना। ये तो हमारी गलती थी। आउट करो ऐसी लड़की को, कितने पापड़ बेलेंगे आप इसके लिए। अगर आपके मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बावजूद ये लड़की आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रही है ना, तो मतलब लड़की में आयरन की कमी है। हर चीज का इलाज है, इसका भी होगा। कुछ बताई नहीं मंदा, फिल्म कैसा लगा? अरे अम्मा पूछो लड़का कैसा लगा। कैसा मतलब? लड़का है तो लड़के जैसे ही होगा, और हम कह रहे हैं ना सम्मान समझकर सर माथे पे रख लो इसे। इससे बढ़िया रिश्ता मंदिरा के लिए नहीं हो सकता। लेकिन बहू मंदा मंदा कुछ बोली? बहूजी मंदा हर चौराहे मोहल्ले से सिनेमा हॉल तक सलाम ही सलाम पापा। और कहा चाहिए इसे? शादी से पहले सिनेमा देखने जाना ठीक नहीं लगता हमको। तो कौनो पराए मर्द के साथ गई थी मंदा? होने वाले दामाद जी हैं, और आज के जमाने में ये सब चलता है। अच्छा जी, ये आप कह रही हैं? बड़ी आई नई जमाने की अम्मा। तू काहे खामखा परेशान हो रही है? अंदर जा मंदिरा। शादी कर ले तब जी चाहे जहां घुमाए। हाँ तुम सही कहा अम्मा। प्रणाम जी। सारा फैमिली मेंबर आपके नाम से दावा मारे, अंदर इंतजार कर रहे हैं आपका जोरों से। आइए जी। जिसका डर था लगता वही हो गया, हमारा पोल खुल गया लगता है। नमस्कार। नमस्कार। अचानक आने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर क्या करें मजबूरी में आना पड़ा। अम्मा कुछ कहना चाहती हैं आपसे। बाबा बेटा अब क्या रह गया है आपकी तरफ से? कुछ समझे नहीं दादी जी। किसी का इजाजत लेना है का? नहीं तो? तो फिर देरी किस बात का? हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की को घुमाना ठीक नहीं माना जाता। शादी हो जाए तब चाहे जहाँ ले जाइए। क्यों बेटा? जी जी अम्मा, इसीलिए कह रहे हैं कि जल्दी से विवाह हो जाए, फिर हमको भी तसल्ली हो जाएगी, है ना? आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जी शुक्रिया। आने वाले सोमवार को शुभ मुहूर्त है, तो उसी दिन शादी का तारीख पक्का करते हैं। बिल्कुल, शुभ काम में देरी क्यों? क्यों बेटा? बाहर से सगन का सामान लेकर आओ ना।
है। अकल के दुश्मन आधी रात के 3 बजे पलंग से हिला दिए। ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें जो सवेरे के सूरज से पहले करना चाहते हो? बताओ बेटा, हम है पापा, हमें प्यार हो गया। तुमको क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? प्यार। अच्छा, तो हमारे दुश्मन होगा? आप प्यार के दुश्मन होगा? अरे मूर्ख, हम पूछते हैं कि आधी रात को ये बात बताना जरूरी था का? सुबह उठ के भी तो बताया जा सकता था। पापा, अगर हम सवेरे बोलते तो आप शाम में डिसाइड करते। हम चाहते हैं कि आप लड़की के पापा से सवेरे रिश्ते के बारे में बात करें, प्लीज। जिस लड़की से तुम भाग कर आए उसी से तुमको प्यार हो गया, और जिस लड़के को तुम भगाई तुमको उसी लड़के से प्यार हो गया। अरे तो फिर भगाई कहाँ है? तब ऐसा नहीं था पापा, हम गए थे बाबा के पास और वो तब तक इरादा बदल चुके थे। जैसे आज डायरेक्ट आए, पहले भी तो आ सकते थे। राम सीता का शादी हो गया और आप लोग स्वयंवर की जांच में लगे हैं, बताइए अब क्या करें? पर हमें तो लड़की पसंद है। तो फिर एक काम करते हैं ना, सब मिलके चलते हैं बाबा के पास उनको समझाने। जरूर समझेंगे बाबा, मंदा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, पूरा घर सजवा दिए मंदा से शादी करने की खुशी में। अरे जब लड़की राजी नहीं है तो ऐसा शादी और प्यार का क्या फायदा? आपके घर के बगल में हमारी शादी की बात चल रही थी। अच्छा, वो लड़की जो भाग गई रही ना। अरे तुम जल्दी करो यार। सुनो भैया, चाय पियेंगे? अरे यार सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम चाय पूछ रहे हो? जल्दी करो, रखो जल्दी। अरे अंकल जी, आप नमस्ते। आंटी जी आप भी हैं? हाँ गुरु जी, आप यहाँ कैसे? फुल फैमिली के साथ आए। वो क्या है ना, मिश्रा अंकल और पापा दोस्त निकले। वो हम लंगोटिया। बहुत सही बहुत सही। हाँ गुरु जी, देखो ऐसा है, लड़के वालों की तरफ से आना है आपको, समझ गए ना? अंकल जी आपको भी आना है, आप लंगोटिया अच्छी बात है, लेकिन आपको बारात में डांस करना है लड़के वालों की तरफ से। आंटी जी आपको क्या अलग अलग कह दिया, बाद में लोग आते नहीं आजकल। अरे तुम निकलो यार, चाय बना लेंगे क्या? अरे भैया वो चलो। अच्छा संभाल के रखते हैं। अबे गुलाब के महंगे वाले फूल लगवा बाहर। पापा अंकल जी से इजाजत लीजिए, हम कह रहे ना ये जो सोनू है ये जाकर बाबा साहब से उल्टा सीधा बकेंगे और यहाँ गोलियां चल जाएगी। डरिए मत विष्णु भैया, बाबा वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, बहुत डिसेंट बिहेव कर रहे हैं अभी, आने दीजिए, वन टू वन टॉक हो जाएगी। हम पे दया करो बेटा, मंदा के नसीब में जो है वही हो रहा है। हाय, पर उसे भी तो पूछो कि वो क्या चाहती है। क्या कह रही हैं आंटी जी, इसकी इच्छा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता तो हम घर वालों को निभाना है ना, ये तो चूल्हा चौकी करेगी, फिर चाहे राजी राजी करे या गैर राजी करे। जबरन विवाह कराना आप लोगों को पता है ना कानूनन जुर्म है। बस बहुत हो गया, बहुत होगी वकालत। शुक्ला जी माफी चाहते हैं, आपको परेशान किया, चलो चलो। आपको स्पेशल लोटा देना पड़ेगा, चलिए आप। हम भी चलें। चलिए पापा। चुप, चिल्लाए मत, चुप, चिल्लाए मत, लड़ रही है ना। चलिए चलो चलो बेटा, चलो चलो। जरूर समझेंगे बाबा, बंदा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। इसकी इच्छा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता तो हम घर वालों को निभाना है ना, ये तो चूल्हा चौकी करेगी। हम पे दया करो बेटा, मंदा के नसीब में जो है वही हो रहा है। माफी चाहते हैं, आपको परेशान किया।
शुभ काम से पहले कोई अच्छा टोटका करने से बैड फेज एकदम क्लियर हो जाता है, पता है? अच्छा वो देखो नशेड़ी को लहरों से बात कर रहा है। ये तो पप्पू मिश्रा है, रोको रोको रोको। पप्पू जी एनी हेल्प? हिम्मत नहीं हो रहा है? हम हाथ लगाए क्या? कैसी हिम्मत? सुसाइड करने जा रहे हैं ना? नहीं है? आपको ऐसे क्यों लगा? आपका फेस रीडिंग की है। अब एक बात समझिए, कल हमारा मैरिज डे है। बस आज का दिन सब कुशल मंगल से निकल जाने दीजिए, उसके बाद चाहे आप रोड से जाए, नदी से जाए, ठीक है? आइए, तब तक हमारे साथ सेफ साइड पे रहे। हाँ। गुरुजी, जरा पहन के दिखाइए। पहन के देखिए। ये आपका है? जरा मुस्कुराइए। दूल्हा बन गया। मुंह मीठा कीजिए। अरे मुंह मीठा करो यार। आज खुश तो बहुत होंगे आप। गुरु जी आपको आस्तीन का सांप कहें या हम सांप को दूध यानी कॉफी पिला रहे हैं, ये कहावत आप ही के लिए बनाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमारे होने वाली वाइफ के यहाँ शादी का ऑफर लेके गए, इनका क्या करें? गोली मार दे? आप नहीं मार पाएंगे। कॉफी पी पी की वेजिटेरियन हो गए। हम ही मार देते हैं। वो हमारे पापा के दोस्त है, इसलिए गए थे। कपड़ा उतारिए। चलिए कपड़ा उतारिए। अपना कपड़ा काहे पहना दिया? बुतरन पहनिएगा का? हमें आइडिया लग गया था कि साला कुछ तो गड़बड़ है हमारा कुंडली में। अच्छा, तो इलाज किए हैं, अपना कपड़ा पहना कर टोना टोटका किए हैं, जो अला बला थी समझो टल गया। बहुत सही, बजर भट्टू जैसे यूज किए हैं। अब जो भी बुरा होगा इनके साथ होगा। आई एम नाउ ऑल द बेस्ट। इनके पेरेंट्स को इनवाइट किए हैं हम। बारात धूमधाम से आएगी। बड़का बड़का वीआईपी लोगों को बुलाए हैं, बंदूक की नोक पे नागिन डांस करवाएंगे, पटाखा बम सब का इंतजाम कर दिया। और अगर पटाखा बम खत्म हो गए ना तो धाए धाए बंदूक से करेंगे। बस 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 तैयारी कीजिए। हाँ। बाहों से क्यूटी फरार हो जाएगी, ढूंढते रहोगे नजर न आएगी। नहीं वाली जब, नहीं वाली जब, नहीं वाली जब, धोखा देके जाएगी पुरानी गर्लफ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड याद आएगी।
जानता नहीं। हम मिले ये बात मैं मानता नहीं, शायद आपको हुई है कोई गलतफहमी, मेरी एक्स को अब मैं पहचानता नहीं। देखो लड़कियों की तो मेरे पीछे लगी लाइन है, एक से एक मेरे पास में डिजाइन है, बाकी सब फाइन है, पर एक है सवाल, क्या तुझे प्यार करना यहाँ पे कोई क्राइम है? जब कोई इसे मिल जाएगा हॉट हैंडसम पैसे वाला लड़का, इंटरेस्ट उसमें दिखाएगी, बोलेगी बोलेगी तुझे हट कड़गा, उसे डेट करेगी तुझे हिट करेगी, उसे डेट करेगी तुझे हिट करेगी, तेरा बीपी बढ़ाएगी। नई वाली जब नए वाले को घुमाएगी, पुरानी गर्लफ्रेंड याद आएगी। जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? एक ही गोली। अंधेरा जी ऊपर है, पप्पू को छूना नहीं, बता दे रहे। करने दो मंदिरा, करने दो। तुम्हारे जाने के बाद ना हम भी पॉइजन पी लेंगे, दो लाशें उठेगी यहाँ से। आप बेफिक्र रहिए, इनको कुछ हो गया ना हम वैसे आपको ठोक देंगे। मंदा नीचे आ जा। अरे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते तमाशा बंद करो। अरे तुम जैसे चाहती हो वैसा होगा, नीचे आ जाओ। मंदिरा नीचे आ जाओ, मीडिया आ गई है, सारा जमाना देख रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आ जाओ। मंदिरा जी, अब काहे इतना डिस्टर्ब है? हमें ये शादी नहीं करनी,
मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि दुल्हन का पानी की टंकी पे चढ़ना इस बात का विरोध है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। पहले बताना था मंदिर जी, अब तो लेट हो गया जी, इसीलिए तो ये स्टेप लिया। क्या इसलिए जान दे दूंगी? बाबा साहब को सोचने का मौका तो दूं, कलम चढ़ाऊंगी इन पर। बाबा साहब, बातचीत से मामला हल कर लीजिए। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप सब निश्चिंत रहिए। क्या कहते आप, आपके प्यार में काले कौवे का नजर है? जी, पर वो तो कहावत है। बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब तुम नीचे आ जाओ, आज से हम तुम्हें अपनी बहू बना लेते हैं। बहू, नीचे आ जाओ। मंदिरा, तुम आजाद हो, कोई जरूरी नहीं कि तुम शादी ही करो। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जिस तरह से जीना है तुम जी सकती हो। हम लोगों के वजह से तुम अपने आप को खत्म करने का मत सोचो। ठीक कहा ना बाबा साहब। मंदिरा जी, आपको इस तरह से अपनी जिंदगी खतरे में डालने का कोई हक नहीं। किसी को क्या पता आपके दिल में क्या चल रहा है। वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना हो। आप जरा नीचे आइए, हम आपकी समस्या को दूर करते। क्या बोलती हो? अब बहुत लेट हो गया बाबा साहब, हमारी मुश्किल को सुलझाने का यही आखिरी रास्ता था हमारे पास। आपका दिल दुखाया, अफसोस है हमें, पर अपने मन का बात आपको बताकर हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। मन में कोई बोझ लेकर नहीं जा रहे। दुआओं में याद रखना सभी को मेरा आखिरी प्रणाम। पप्पू के बारे में तो सोचिए, इनसे प्यार है ना आपको। हम प्रॉमिस करते हैं, हम पूरी मीडिया के सामने प्रॉमिस करते हैं, आपका विवाह पप्पू मिश्रा के साथ ही होगा। अच्छा। अब बस सीढ़ियों के जरिए नीचे आ जाए। पप्पू मिश्रा, जवाब तो दीजिए। आई लव यू टू। अंत भला तो सब भला, यही कहावत आज आपने और हमने क्या सार्थक होते देखी। सब कुशल मंगल। लड़की ने एक झटके में अपनी सारी मांगे मनवा ली। कृपया आप अपनी मांगे ऐसे कभी ना मनवाइएगा, भारी पड़ सकता है। नीलू, नीलू, अपने फोन साइलेंट मोड पे डालो। ठीक ठाक है ना? सीटा और सटा तीनों को चुप। दुनिया है गजब तमाशा, रिएक्शन थोड़ा लाउड कर, सबको ये झांसा। कहीं चल रहा है लव का ट्रायंगल, सबका अपना अपना एंगल, यहाँ वहाँ रिश्तों का जंगल, मचा है दंगल। फिर वे सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल। ब्यूटी लग क्यूटी, क्यूटी लाखों को लूटी, चेहरे के पीछे है एक चेहरा नया छुपा। टिंगल कर टिंगल, सब गाए डरती जिंगल, जरा बचके, हाँ बचके, दुनिया है बहुत खराब। सब उलट फेर, सब गोल मार, सारे बेसुरे ना सुर न तार। आपा धापी भागम भागी, धूप का मौसम लगे है फॉगी, चारों तरफ है सब कुछ बम्बल, हो रहा है जंबल। फिर भी सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल।
सब कुशल मंगल। आप लोग जाइए, हम दो मिनट में आते हैं।